सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पत्नी को काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, अभिमान छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? पत्नी को ही क्यों छोड़ देना चाहिए, पुरुष को क्यों नहीं छोड़ने देना चाहिए? प्रश्न आएगा, आपके दिमाग में आया भी होगा। लेकिन स्त्री को जननी कहा गया है, स्त्री को ममतामयी कहा गया है। आप कहेंगे ठीक है, जननी और ममतामयी होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम ही छोड़ दें और दूसरे भी, तो उनसे भी तो कहो। प्रश्न हो सकता है आपका, लेकिन फिर एक बात यहां आती है, स्त्री के अंदर भगवान ने जो गुण दिए हैं वही गुण भूमि के अंदर है। भूमि और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसको महान कहा गया है। भूमि सबके लिए जगह बनाती है, सबका पालन करती है। इसमें व्यक्तिगत तौर पर लिख दिया गया कि आप स्त्री को पत्नी, पत्नी को काम, दम, द्वेष, लोभ, पाप, अभिमान छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात लिखी है कि काम में प्रमाद नहीं करना चाहिए। काम वासनाओं से बचना चाहिए। क्योंकि उसे जिस संतति का निर्माण करना है, जो उसके गर्भ में आएगी, रहेगी, रह चुकी है, जो भी कुछ है, उसका जीवन जितना भी सैद्धांतिक तौर पे महान होगा, उसके पीछे उस बच्चे की मां का हाथ 90% होता है। 90% इस दुनिया में जितने भी लोग डिजाइन हुए हैं, उनमें डिजाइनिंग में 90% माताओं का हाथ है। वो अच्छे डिजाइन हुए हो या बुरे डिजाइन हो, लिखा है अपने पुरुष की आज्ञा मानकर, अपने पति की आज्ञा मानकर स्त्री को अपने जीवन को जीना चाहिए। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि साहब आज्ञा हम ही थोड़ी मानेंगे। सामने वाले को भी माननी पड़ेगी। आपकी बात में भी दम है, अकेले आप क्यों मानेंगे? लेकिन ये चर्चा उस समय करी गई थी जब एक 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 पुरुष पूरे घर का रख रखाव रखता था, घर के सभी सदस्यों के लिए रोटी पानी कपड़ा सुख सुविधाओं की प्रैक्टिस करता था। आज के दौर में स्त्रियां भी पैसा कमा रही हैं, वो भी नौकरी कर रही हैं, बड़ा काम हो गया है, घर में डबल डबल सैलरी आ रही है, अच्छी खबर है। लेकिन इसमें एक बुरी खबर यह है कि आपकी अच्छी अच्छी सैलरी में जो आप 8 घंटे ऑफिस में देते हैं, वहीं आपके बच्चों को अपने माता पिता से दूर रहकर अपनी जिंदगी में एकाकीपन में चले जाने का मौका मिल जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चे के लालन पालन में हमेशा, स्कूल वाली बात अलग है, बाकी मां का साथ कुछ देर के लिए भी नहीं छूटना चाहिए और पिता का साथ यथा संभव हो सके ले लेना चाहिए, लेकिन मां का साथ तो बच्चे के साथ छूटना ही नहीं चाहिए। ये कहा गया मनोवैज्ञानिक कह रहे, क्यों कह रहे हैं? उनका ऐसा मानना है कि जो बच्चे अपने माता पिता के समय की प्राप्ति नहीं कर पाते, प्रेम की प्राप्ति नहीं कर पाते, उन बच्चों का जीवन ठीक नहीं होता।
वो या तो जिद्दी हो जाते हैं या एडिक्ट हो जाते हैं या क्रोधी हो जाते हैं या एकाकी हो जाते हैं या धर्म में विश्वास नहीं करते, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। और ऐसे बच्चों का निर्माण आपके अपने सपनों की पूर्ति के चक्कर में होता है। लेकिन यहां बात यह है कि काम दम द्वेष लोभ पाप अभिमान छोड़ते क्यों? क्योंकि उसको जिन बच्चों का पालन करना है, जो बच्चे ज्यादातर उसके पास टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो विचार कीजिए कि उन बच्चों में अगर ऐसे अवगुण जाएंगे तो उनका निर्माण कैसे होगा। इसलिए स्त्री को कहा गया कि इनसे बचे। उद्यता नित्यम, स्त्री को सदैव सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। बच्चा खाना मांग रहा है, बेटा जाओ किचन में रखा है खा लो, मम्मी मम्मी सब्जी बहुत कम है, ठीक है जितनी है उससे ही खा लो, हमें सोने दो। होता है, लेकिन ये ठीक नहीं, ये कतई ठीक नहीं। लिखा हुआ है जननी जन्मभूमिश्च, इसलिए मैंने कहा कि पृथ्वी में और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। स्त्री का सम्मान हम सबको करना चाहिए और स्त्री को ऐसा कार्य करना चाहिए कि उससे उसे सम्मान मिले।